नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सिंधी दखल पर। मैं हूं आपके साथ हनी। एक ऐसा मामला आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा जो वाकई में बहुत ज्यादा गलत है। एक लड़की के मेरे साथ मौजूद है चैनल पे, पर्दाफाश का ये मामला है। और मैं आपको बता दूं कि 5 वर्षों से इस बच्ची के साथ यौन शोषण, रेप जैसी घटनाएं लगातार हो रही है। लेकिन इस बच्ची ने जब आवाज उठाने की कोशिश करी तो जो बंदा ये गलत और यौन शोषण करता है वो इनको लगातार बार बार ऐसे धमकाता है कि ये दब जाती है और बार बार इसको डराता है। क्या मामला है पूरा बताइए, और कब से ये सब चल रहा है और कौन कर रहा है? 5 साल से चल रहा है। और फेसबुक पे हम मिले थे 5 साल से चल रहा है। और उससे मतलब ऐसे बोलो शादी करने के लिए, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, फिर नकली शादी करवा दिया। फिर 2 बार क्या नाम है लड़के का और लड़का रहता कहाँ है? पंकज सैनी जीवन में। जो पंकज सैनी जी है, पहले आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे आप फेसबुक फ्रेंड पे, जहाँ तक मामला हमें समझ आया है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब वो आपको धमकियां देता? फिर कुछ फोटो होते हैं, फिर वो शादी नहीं करूंगा, ये वो ऐसे मतलब ब्लैकमेल करने लग गया, मतलब वैसे मना कर दिया था। वहाँ से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब पंकज सैनी जी का क्या कहना है? बार बार जो वीडियो दिखाते हैं, धमकी देते हैं आपको, देखो पहले रिलेशनशिप में आपके साथ रहे हैं, तो अब वो ये हरकत क्यों कर रहे हैं? पंकज सैनी के परिवार से आप कभी मिले हो या आपने उनको शिकायत कभी करी कि ये ऐसे कर रहा है, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है? तो मैंने किया था, उन्होंने बोला मैं लड़का ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ये वो ऐसे। आपके परिवार में ये सब पता है? हाँ अभी फिलहाल बताया। तो परिवार वालों को क्या कहना है कि मतलब पहले क्यों नहीं बताया आपने? ऐसे थोड़ा क्या चाहते हो, या फिर वो शादी करे नहीं तो जेल। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे ने इतना कुछ किया हो आपके साथ गलत, और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि उसके साथ आप शादी करना चाहते हो, आपको लगता है कि पंकज सैनी अगर आपसे शादी कर भी ले लोगों के दबाव में और कोर्ट के दबाव के कारण, आपको वो खुश रखता है? ये लड़का अभी इतना आपको बोल रहा है, वीडियो आपकी वायरल कर देगा, जबकि आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहा है, मतलब पहले मोहब्बत थी, अब इतनी नफरत हो गई कि वो आपको इस तरह की धमकियां दे रहा है। ये तो पता नहीं क्या हो गया। जब आप एडवोकेट के पास गए थे, जैसे कि हमने देखा जिसने आपके झूठे दस्तावेज बनाकर आपको बोला कि आपकी शादी हो गई, वो किस्सा क्या था पूरा बताइए। वो मतलब ने बोला कि चलो शादी करते हैं, तो फिर गए थे और मुझे पता नहीं उसमें से कागज वगैरह सब फाड़ दिया था। अब फिर उस दिन गई थी तो वो बोल रहे नकली शादी है, ऐसे वैसे बोल रहे थे वो। कल रात को एक मामला हमारे सामने आया। कल हम जब एक नंबर जा रहे थे, बाटा फ्लाईओवर के नीचे एक बच्ची हमें बेहोशी की हालत में मिली। ये बच्ची है वहाँ बेहोश थी, जब मैडम मनसा पासवान जी ने इनको देखा जा करके और किसी तरीके से होश में लेकर के आए तो ये वहाँ पर रो रही थी और हाथ छुड़वा के भागने लगी। जब समझा बुझा के कारण पूछा तो इसने सारी चीज़ें बताई कि पिछले 5 साल से कोई व्यक्ति इनका यौन शोषण कर रहा है, जिसको लेकर के सुसाइड करने वहाँ पर जा रही थी। इनसे इनके घर की डिटेल लेके इनके भाई से संपर्क किया गया, इनके भाई को सारा मामला बताया। जो फिलहाल जो मामला है इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से बताएं। ये जो मामला है, ये लड़की है, ये जो अभी 20 साल की है, इस ये किसी कंपनी में काम करती थी। इनका जो इनकी जो लड़के से मुलाकात हुई थी वो मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक पे इनको चैटिंग के द्वारा इनकी बातचीत शुरू हुई और आपस में इन लोगों ने बातचीत शुरू करने के बाद ये एक जगह ही जॉब करते थे। जॉब करने के बाद 5 साल ये लोग रिलेशनशिप में रहे और इसका यौन शोषण करता रहा। वो 2 बार यहाँ तक कि गर्भपात भी करवा चुका है। लड़की का नाम पंकज है, उसकी एज है 26 साल, जीवन नगर में रहता है। और लड़का क्या कहते हैं, इसको ब्लैकमेल करता है। इसने बोला कि हम अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो शादी कर लेते हैं। तो वो किसी नकली वकील के पास ले जाके झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद इससे ये बोला कि हमारी और तेरी शादी हो चुकी है, और साथ में रहने लगे। साथ में रहने के बाद भी इसका मतलब बाद में जब इसको पता चला कि हाँ भाई ये नकली दस्तावेज़ है और ये सारी चीज़ें झूठी हैं, तब जाके इसने वो दस्तावेज जब उसको दिखाया तो उस लड़के ने क्या किया इसके साथ, उसको मारा पीटा, उसके दस्तावेज़ फाड़ दिए, जो उसके मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग वगैरह थी वो लेके फ़ोन भी तोड़ दिया और अपने पास वो फ़ोन अभी तक रखा हुआ है। और इसके बाद इसने बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। अभी आपने कहा कि दस्तावेज़ नकली थे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो दस्तावेज नकली? ये लड़की ने खुद बोला है, लड़की दोबारा गई थी किसी और अधिवक्ता के पास, उन्होंने कि अगर वो दस्तावेज असली होते तो उनको फाड़ने की जरूरत नहीं थी, उनको जलाने की या मिसकैरेज करने की जरूरत नहीं थी। वो दस्तावेज दिए जा सकते थे कि ये शादी के दस्तावेज और आप कहीं भी जाकर के उसकी जाँच करा सकते हैं। तो अगर वो डिस्ट्रॉय किए गए तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि वो नकली ही होंगे। दस्तावेज अगर कहीं बने हैं और उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी होगा, कहीं आर्य समाज का होगा या कहीं का होगा,
वही है कि जिस वकील साहब ने बनवाए थे, इन्होंने वहाँ जाकर के उनके ऑफिस में जाकर के देखा तो वहाँ पर बताया गया कि किसी वकील का ऑफिस नहीं है, ये एक नाटक कंपनी का ऑफिस है और जहाँ पर समय समय पर अलग अलग प्ले किए जाते हैं। अब आप जिससे मिली थी या तो आप उसका चेहरा पहचान सकती हैं, नाम से बता सकती हैं, नाम इनको पता नहीं है और चेहरे से पहचाने तो वो वकील वहाँ मौजूद है। लड़की मिली तो लड़की ने आपको बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है? लड़की ने ये बताया कि एक साल तक वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रही थी, उसके बाद उस व्यक्ति के पास उसकी अश्लील वीडियो बना करके लगातार उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। इस बीच में दो बार उसका गर्भपात भी करवाया जा चुका है, एक गर्भपात अभी उसका 3 माह पूर्व ही कराया गया है। अगर मेडिकल करवाएंगे तो मेडिकल में सारी पुष्टि हो जाएगी। आप प्राथमिकता आपने दर्ज कराई या लड़की ने दर्ज? लड़की के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बाटा से आप निकल रहे थे, गुजर रहे थे, बाटा पे कौन सी जगह पे मिले आप? बाटा फ्लाईओवर के नीचे। फ्लाईओवर के नीचे आप फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे थे? हाँ। जी सर। अच्छा अभी भी बच्ची चाहती है कि उसका घर बस जाए, तो हमारी कोशिश भी यही है कि अगर लड़का चाहता है तो किसी का परिवार खराब ना हो, घर बसा करके दोनों सुखी सुखी रहें। लेकिन अगर लड़का इतनी सारी घटनाओं को करने के बाद शादी का झांसा दे करके लगातार 5 साल से उसका शोषण कर रहा है और आप इस बच्ची को मजार में ला के छोड़ेगा, कुछ कानून के तहत प्रावधान है 376 बॉक्सो एक्ट 312 के तहत।